फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गर्मी का डेजर्ट लाई हूँ, जिसे बहुत ही कम सामान में और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। अभी जैसे श्रीखंड होता है, जो हमारे इंडिया का एक खास जगह का रेसिपी है, और जनरली हम लोग हर जगह दही खाते हैं, गर्मी में दही का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसे डेजर्ट का रूप दे रहे हैं। जिसके लिए मैंने आज यहाँ पर ये हैंग कर्ड है, ये जो नॉर्मल दही होती है, ये मैंने 1/2 kg दही लिया और उसे छन्ने में ऐसे रख के इसे छान कर इसे 2 घंटे छोड़ दिया, ताकि इसे पानी अच्छे से निकल जाए। और आप इसमें चाहे तो कॉटन का कपड़ा भी लगा कर सकती हैं, ताकि वो आराम से पानी निकल जाए। उसका लिया है जो मैंने पहले से हैंग करके रखा था, ताकि मैं आपको झट से बना कर दिखा सकूँ। देखिए कितना अच्छा हैंग कर्ड है। इसे मैंने 2 घंटे छन्नी में डालकर छोड़ दिया था। ये देखिए, इसमें ज़रा भी पानी का अंश नहीं है, पूरी तरह से आइसक्रीम की तरह थिक है। और इसे मैंने पूरी अच्छी तरह से क्रीम की तरह फेंट लिया है। ये बिल्कुल देखिए कितनी ताज़ी दही। इसमें हमेशा ध्यान रखिए, डेजर्ट है, इसमें बासी दही पुरानी दही का यूज़ नहीं करेंगे, ये इसमें हमेशा ताज़ी दही का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसमें चीनी डालकर भी जमा सकते हैं दही, और नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें, जो चीनी ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन है, तो इसमें क्योंकि ये 1/2 kg दही है, तो इसमें मैं 1 से 2 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर डालूँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हम शुगर डालेंगे सिर्फ, तो फिर क्या होता है, वो पानी छोड़ेगा, तो ये फिर श्रीखंड का मज़ा नहीं आएगा। ये डेजर्ट बिल्कुल थिक होने चाहिए, लाइक आइसक्रीम, इसलिए मैंने यहाँ पर पाउडर्ड शुगर का यूज़ किया है। और अब हम इसमें, ये मैंने इलायची पाउडर बना कर रखा है, इसमें डाल देंगे। इसे आप खाएंगे, ये खाने में डेजर्ट का यूज़ है। इसे आप फ्रिज में रख कर खा ले, या ताज़ी फ्रिज की दही है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप थोड़ी देर इसे फ्रिज में रख देंगे। तो इसे आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं खाने में। और अभी गर्मी का मौसम है, आम का सीज़न है, तो हमने यहाँ पर आम का पल्प निकाल कर रखा है। ये देखिए, ये मैंने 1 आम का पल्प लिया है, इसे इसमें मिला देंगे। ये 1 आम का पल्प है, जिसे मैंने इस हैंग कर्ड में डाला है। ये बहुत ही अच्छा गर्मी का डेजर्ट है। स्वीट्स के बजाय अगर हम खाने में इसे सर्व करें, तो एक न्यूट्रिशन भी है, हेल्दी भी है, दही पेट के लिए अच्छा होता है, और आम का सीज़न है तो हमारे डाइट में आम भी आ जाता है। तो ये हमारे बहुत चीज़ को फुलफिल करता है, हमारे डेजर्ट आइसक्रीम सब काम ये हमारा पूरा करता है। ये आपका, इसे ज़्यादा नहीं फेटेंगे, क्योंकि ज़्यादा फेटने से क्या होता है, फिर वो पानी छोड़ने लगता है, पानी छोड़ने लगेगा तो। और अब इसमें हम एक काम और करेंगे, ये मैंने 1/2 मैंगो का क्यूब काट कर रखा है, आप इसमें डाल दें और इसमें अच्छी तरह से मिला लें। ये 2 मिनट में बनने वाली आपका दही रेडी है, हैंग कर्ड, मैंगो आपने काट कर रखा, पाउडर शुगर, इलायची, बस इसे मिक्स करना है, और ये आपका एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट तैयार है। आप चाहे तो इसे बाउल में सर्व कर सकती हैं, बड़े लोगों को के लिए आप बाउल में सर्व कर सकती हैं। और यहाँ आप देख रही हैं, जैसा कि मैंने छोटा छोटा मैंगो का एक बारीक कटा हुआ पीसेस रखा है गार्निश के लिए, आप इसे बड़ों के लिए सर्व कर सकती हैं, लंच में, डिनर में, कभी भी। और अगर बच्चों को देना है, तो ये मैंने डिस्पोजेबल ग्लास लिया है छोटा वाला, ताकि बच्चों को आइसक्रीम का, स्मूदी का मज़ा दे सके। अब आप देखिए, मैं इसे मैं फिल कर रही हूँ, बच्चे इसके साथ ऐसे दही, जो नहीं बच्चे पसंद करते हैं, वो इसे भी मैंगो के फ्लेवर के कारण बड़े आराम से खाएंगे आइसक्रीम समझ कर। और ये देखिए, और आप अगर उसे इस तरीके से सर्व करती हैं बच्चों के लिए,
तो बच्चे तो और भी शौक से इसे खाएंगे। क्यों बच्चों, कैसी लगी है मेरी डिज़र्ट, मैंगो डिज़र्ट? इसे बहुत जगह अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे इंडिया में बहुत जगह इसे श्रीखंड भी कहते हैं। ये मैंने मैंगो का बनाया है और अब आप देखिए हमारा ये मम्मी पापा के लिए और ये आपके लिए बच्चों। कैसा लगा हमारा ये डिज़र्ट? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।